भाजपा का विजयी रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात और हिमाचल में भी भाजपा ने अपनी विजयी पताका फहरा दी। बस फिर क्या था, पूरे भाजपाई खेमे में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी भाजपाई झूमते नजर दिखाई दिए। भले ही सरकार गुजरात और हिमाचल में बनी हो, पर मुरादाबाद में भाजपाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहीं मिठाई बढ़ती दिखाई दी तो कहीं आतिशबाजी होती दिखी। सभी एक आवाज में कह रहे थे, ये 2019 का टेलर है। जब 2019 का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। सब सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से जनता नाराज है, पर नतीजों से साफ बता दिया कि विपक्ष गलत फहमी में जा रहा है। गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व बहुमत की सरकार बनाई है और कांग्रेस का सफाया कर दिया हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल ही, और गुजरात में 25 वर्ष से लगातार हमारी सरकार है, फिर रिपीट हुई है। उसके लिए आज हमने यह मिठाई वितरण करा। भाजपा की जीत सबका साथ सबका विकास है, और माननीय मोदी जी जिनके लिए लोग आरोप लगाते हैं उन्होंने दिखा दिया भाजपा एक वंशवाद की पार्टी नहीं है। उन्होंने दिखाया कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है भाजपा में। आप इसी रीत पे आगे बढ़ रहे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान को विजयी करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैं अर्चना शर्मा, मैं वार्ड 34 से पार्षद हूँ, नवनिर्वाचित पार्षद हूँ। कि मैंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी जीत के कारण मैंने यहाँ पर सभी लोगों को लड्डुओं का वितरण किया, सभी लोगों को लड्डू खिलाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सारी जनता मोदी जी के साथ है, हमें अच्छा लग रहा है। हम पूरे हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास की नीति से चलकर और हिंदुस्तान को फिर से हम विश्व विजेता बनाएंगे। विजयी हुई है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की जीत है, और 2019 का चुनाव हमारा इसी जीत के साथ अब लगभग तय हो चुका है कि 2019 में हमारी सरकार होगी, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी उनके सहयोगी हैं, उन्होंने गुजरात में इस चुनाव के दौरान बहुत मेहनत की है, मोदी जी ने बहुत मेहनत की है। सभी को बधाइयाँ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ, हमारे देश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ। हम पुनः 2019 के लिए हम पुनः फिर से जीवित हो चुके हैं, जीवित थे और हो चुके हैं, और हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नतीजा आते ही जो है विपक्ष ने निशाना साध दिया ईवीएम के ऊपर। ईवीएम वाली बात बिल्कुल बेकार है, निराधार है, और चुनाव हमेशा बीजेपी में निष्पक्ष होते हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। ईवीएम वाली बात बिल्कुल बेकार है। क्या लगता है 2019 की क्या तैयारी है? 2019 की आज के गुजरात की चुनाव की जीत के बाद पूरी तैयारी हो चुकी है कि 2019 में मोदी जी की भाजपा की पुनः सरकार बनेगी। जीत हुई उसके बाद आपने मिठाई वितरण का कार्यक्रम करा, क्या सोचते हुए क्या करेंगे आप? नहीं, हमने ये सोच के करा है कि ये देखिए 2019 में जो लोगों की बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन हमारी जीत ने गुजरात में जहाँ पूरी देश समझे एक तरफ था और बीजेपी एक तरफ थी, बीजेपी तो हमने सबने दिखा दी, बीजेपी एक कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि हम जब गुजरात में आ सकते हैं तो विपक्ष पूरे एक तरफ है, हम खाली अकेले एक तरफ है। 2019 में भी सरकार
बीजेपी की ही बनेगी और मोदी उसकी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रदेशों में कांग्रेस को मुक्त कराया है, इसकी खुशी में जो है लड्डू वितरण का कार्य चल रहा है अभी, और जो बाकी बचे हैं उनमें भी इसी तरीके से कांग्रेस से मुक्त कराया जाएगा। एक दिन पूरा ऐसा आएगा जो पूरे देश में केसरिया ही दिखाई देगा, मोदी जी का झंडा हर जगह दिखाई देगा और ये आने वाले समय में हर जगह भाजपा की ही लहर होगी, भाजपा का ही राज होगा सब पूरे प्रदेशों में, यही है समय। पार्टी की भारी मतों से जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और बहुत अच्छी जीत हुई है, और ये 2019 में जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसका ट्रेलर है। लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत दे सकती है, और कांग्रेस ने हमेशा ही चाल फ्रेम की राजनीति करी है, लोगों को धोखा दिया है और कुछ नहीं किया उसने, गुमराह करने का काम करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं है, साफ सुथरी पार्टी है, लोगों को लोग इससे खुश भी हैं, और आने वाला 2019 जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी लगभग 475 सीटें लेकर के आएगी। और क्या कहेंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही है अपनी? देखिए भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और फाइनल भी हो चुका है दोनों जगह, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और बाकी सब पार्टियां पीछे रह गई हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।